खबर है, तेजी से बोलिए। बीजेपी जो है 400 वोट से आगे चल रही है और नाना पटोले जो है वो 400 वोट से पीछे चल रहे हैं। नाना पटोले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पीछे चल रहे हैं रागिनी जी, ये खबर आ रही है उनकी सीट से, साकोली की सीट पर देखिए। साकोली की सीट से भी पीछे चल रहे हैं, बाला साहब थोरात का भी वही है, पृथ्वीराज चव्हाण भी पीछे चल रहे हैं। रागिनी जी इस पर रिएक्शन। अंजना जी देखिए, मुझे लगता है अभी भी ये जो 50-56 का जो आंकड़ा है, मुझे लगता है ये भी इम्प्रूव करेगा। ऐसी तमाम सीटें जो 500,000 मार्जिन से ऊपर नीचे हो रही हैं, वो आगे पीछे होती रहेंगी, नाना पटोले जी जीतेंगे। पर मैं ये कह रही थी कि देखिए, दुख इस बात का है कि बटेंगे और कटेंगे का जो नैरेटिव है आज, जिससे पल्ला झाड़ने का काम चुनाव के बाद कई भाजपा के नेताओं ने किया, आज उसे सही ठहराया जा रहा है। 50 खोके एवरीथिंग ओके, वो नैरेटिव भी सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी जी लगातार जिस रेवड़ी कल्चर के खिलाफ बोलते रहे, एन चुनाव से पहले पैसों का वितरण चाहे विनोद तावड़े कर रहे हो या किसी स्कीम के जरिए किया जा रहा हो, वो सब कहीं ना कहीं सही ठहरता हुआ दिख रहा है। तो बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की अस्मिता, किसानों की लाचारी, मुझे लगता है ये हाशिए पर न जाए, राजनीति की मुख्यधारा में रहें। कांग्रेस पार्टी इसके लिए संघर्षरत रहेगी और वही मुझे लगता है कि एक मजबूत सशक्त लोकतंत्र के लिए होना चाहिए। और एक सवाल जो मैं पूछना, मतलब आप पूछेंगी, आपका शो है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहती हूं कि जब अमित शाह ने ये कहा कि शिंदे मुख्यमंत्री हैं पर नहीं बनेंगे, शिंदे कह रहे हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिसकी है उसका मुख्यमंत्री बनेगा, फडणवीस जी को बधाई दे के किरैया साहब आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अब सिर फुटौल का दौर शुरू होने वाला है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो ना हारे इस सिर फुटौल में, ऐसा होना चाहिए। एक अंतिम बात महिलाओं के लिए बोलना चाहती हूं, एक महिलाओं के लिए, अगर अंजना जी हार के कगार पर रहते हैं, अंजना जी हालत होती है, 2019 की महिलाओं के लिए कुछ कहना पॉलिटिक्स का अंत हो जाता, 2019 की सिचुएशन है, मेरा नंबर ही अलग है ना अभी, नहीं इसकी भी तो बोलिए बोलिए, महिलाओं से खत्म करिए। अंजना जी एक लाइन और बोलना चाहती हूँ, एक लाइन मुझे बोलिए, छोटा सवाल, एक बार नायक जी बोले, नायक बोल रहे हैं उसके बाद। देखिए मुझे ऐसा लगता है, जीवीएल साहब एक मिनट, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एक जो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ से हमें लेना चाहिए, मुझे लगता है महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो रही हैं, महिलाओं के हक की अगर बात उन्हें दिख रहा है कि कोई कर रहा है तो वो एक वोट बैंक के रूप में जुड़ रही है। मैं बहुत आश्वस्त हूँ इस नए ट्रेंड से जो पॉलिटिक्स में आ रहा है, और प्रियंका जी की मैं पार्टियों के रुख से आश्वस्त नहीं हूँ। मुझे एक बार मुझे बोलने दीजिए, चाहे बीजेपी हो और ज्यादा सशक्त, अगर आपको महिलाओं की भागीदारी इस देश में चाहिए तो 33% सीटें उनको टिकट देना शुरू कीजिए। ये 1500, 3000, 2100 देकर उनकी भागीदारी बढ़ रही है, हम बड़े खुश हो रहे हैं, इससे नहीं मैं होगा, भी यही उनको टिकट दीजिए, ऐसा करेंगे। जो पार्टी 33% टिकट देती है ऐसा करेंगे, तरह की बात करें, वरना सिर्फ सुनने के लिए तैयार रहे। जल्दी से सीएम के पद पर, जल्दी से जीपीएल साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, टिकट दीजिए। अंजना जी हम सीएम पद की हम नहीं, अंजना जी हम सीएम पद को लेकर आप चर्चा करना चाह रहे हैं, हम बहुत आसानी से इस बात को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व सुलझेगा, बट लेकिन पहली बार आपने इस पर गौर नहीं किया लगता है, पहली बार महाराष्ट्र में किसी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का हक, शायद उनका पद नहीं मिलने वाला हो, क्या आपने इस पर गौर किया है? आपको जो कांग्रेस का हाल केंद्र में पार्लियामेंट में बना है वो महाराष्ट्र के विधानसभा में भी बनने जा रहा है, तो क्या ये सबसे बड़ी हेडलाइन नहीं है? ये बहुत बड़ी हेडलाइन है, हताश कांग्रेस की स्थिति इतनी पतली हो गई है। रागिनी जी इस पर रिस्पॉन्ड, बड़ी हेडलाइन है जी, तो एक पार्टी मुझे लगता है पर 20 सीट मुझे लगता है पार्टी ने, मैं जवाब दे, जनता ने आपको इस लायक नहीं समझा कि किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। इस पर एक छोटा सा जवाब रागिनी जी, मैं आ रही हूँ हेगड़े साहब और दुबे जी, दुबे जी सामने देखते रहिए। देखिए अंजना जी भी नेता प्रतिपक्ष बनेगा और 20 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, पर सबसे बड़ी हेडलाइन ये है कि लोकसभा चुनाव में जब मोदी जी चेहरा थे तो भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई महाराष्ट्र में, और अब जब मोदी जी चेहरा नहीं थे और तीन नए चेहरे थे तब अच्छा कर रही है भाजपा, जल्दी से हेगड़े साहब, तब अच्छा कर रही है भाजपा जब मोदी जी चेहरा नहीं है। एक हेडलाइन नरसिम्हा जी आप एक दे दीजिए ना, एक हेडलाइन आप दे दीजिए ना, आप कह रहे हैं ना कि बड़ी आसानी से आपके बड़े नेता सुलझा देंगे, वो बात तो हम भी मानते हैं, क्योंकि पहले से हम कह रहे थे कि एक बार ऊपर से फोन आया तो यहाँ पर सबको ही मान लेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा,
तो क्या इतना तो बता दीजिए कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बाकी छोड़ दीजिए 126 सीटें महाराष्ट्र में जीतने के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए या शिवसेना का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि एनसीपी साफ कह रही है कि भाई हम तो रेस में है ही नहीं। जीवीएल साहब से पूछ, जीवीएल जी देखिए यह हमारे राष्ट्र हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, तो इसमें हमें कोई जल्दबाजी नहीं, कार्यकर्ता के रूप में और किसी को होनी चाहिए। और नहीं नहीं देखिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी फैसला होगा सभी के लिए मान्य होगा, सभी पार्टियों के लिए, सभी विधायकों के लिए, सभी कार्यकर्ताओं के लिए मान्य होगा, क्योंकि जो भी निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करेगी यह राज्य के महाराष्ट्र के राज्य के हित में करेगी, तीनों पार्टियों के हित में करेगी। तो इसलिए कोई हमें किसी पार्टी में या किसी कार्यकर्ता में इस प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैंने जो कहा कांग्रेस इतनी बड़ी हार होकर के आज प्रतिपक्ष में भी नेता बनने की स्थिति में नहीं है, यह भविष्य के लिए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए और भविष्य में महाराष्ट्र के विकास के लिए ये मैं एक अच्छा संकेत मानता हूं। अच्छा मतलब विपक्ष अच्छा नहीं होगा तो विकास अच्छा होगा ऐसा आपको लगता है? कम से कम डेमोक्रेसी में विपक्ष का होना भी जरूरी होता है ना, यही तो माना जाता है। देखिए उनकी ये बड़ा आश्चर्यकारक विधान कर रहे हैं आप। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ऐसे बिल्कुल मैं एक राजनीतिक आपकी जो बात है बिल्कुल सटीक है, बट लेकिन वास्तविकता क्या है? आज नेता प्रतिपक्ष होकर के राहुल गांधी की भूमिका क्या है? क्या वो देश हित में काम कर रहे हैं? वो एक अलग चर्चा है, बट लेकिन जनता भी खुद मान चुकी है। जल्दी से एक बार हेगड़े साहब बोल रहे, थोड़ा सा सर जाना है, तमाम रिपोर्टर्स भी जुड़े हैं। हेगड़े जी, हेगड़े जी देखिए जीवीएल जी का ऑडियो मेरे पास नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात तो तय हो गया है, महाराष्ट्र की जनता ने तय कर दिया है आज कि कौन है असली शिवसेना और कौन है नकली शिवसेना, और कौन है असली एनसीपी और कौन है नकली एनसीपी। तो इसके बाद मुझे लगता है रोज सुबह का 10 बजे का संजय राउत का भाषणबाजी तो बंद हो जाएगा, और ये मुझे लगता है कि उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि महाराष्ट्र की जनता उनके साथ में नहीं है। महाराष्ट्र की जनता केंद्र सरकार और स्टेट में जो हमारी सरकार है उसके कोऑर्डिनेशन के लिए उन्होंने वोट दिया है, कंटिन्यूटी के लिए वोट दिया है, विकास के लिए वोट दिया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर स्कीम्स के लिए उन्होंने वोट दिया, और उसके ऊपर जो पोलराइजेशन इन लोग ने मुस्लिम वोटों की करने की और अपीजमेंट जो मुस्लिमों की करने की कोशिश की उसकी हार हुई है,